नूरपुर के गांव सदबा में 43 वर्षीय सुरेंद्र कुमार VSF की 9वीं बटालियन में कार्यरत थे। उनका हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। सुरेंद्र कुमार 9वीं बटालियन में सांबा में तैनात थे। नूरपुर के गांव सदबा में 43 वर्षीय सुरेंद्र कुमार BSF की 9वीं बटालियन में कार्यरत थे का हृदय गति रुकने के कारण मौत हो गई। सुरेंद्र कुमार 9वीं बटालियन में सांबा में तैनात थे। सुरेंद्र के भाई सोमराज ने बताया कि ड्यूटी के दौरान उन्हें दर्द हुआ और उनका इलाज किया गया। यहां वो ठीक हो गए। बाद में फिर दर्द उठा और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही सुरेंद्र कुमार ने दम तोड़ दिया। तो वहाँ जैसे ऑन रूटीन में इनको क्या प्रॉब्लम हुआ है, इन दर्द बता रहे हैं। दर्द के बाद इनको ट्रीटमेंट दिया गया। ट्रीटमेंट के बाद फिर इनको गई जम्मू ले गए। वहाँ इनको फिर ट्रीटमेंट दिया गया, तो वहाँ थोड़ा लैस मिला इनको। लैस के बाद मैं अभी ठीक हूँ। मैं जिसके बाद नर्सिंग स्टेंटिंग के हिसाब से जिनका जो रैप जाता था, उसके बाद थोड़ा बाद में फिर इनको प्रॉब्लम हुआ। फिर द्वारा इनको शिफ्ट करने के लिए हेडक्वार्टर से जम्मू ले गए, तो रास्ते में इनका देहांत हो। सुरेंद्र कुमार के शव के साथ आए BSF के सब इंस्पेक्टर इंद्र कुमार ने बताया कि रात को सुरेंद्र की छाती में दर्द हुआ और उसे उसी समय इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहां रास्ते में सुरेंद्र कुमार ने दम तोड़ दिया। पोस्टेड थे रात को लगभग 2 बजे के लगभग उनको जो है चेस्ट में पेन हुई है। उसी टाइमिंग को जो है हम हीरा नगर हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ तो क्या दिए, उसके बाद जो है वहाँ से इंफेक्ट किया। कल रात सुरेंद्र कुमार का शव उनके गांव सदबा पहुंचा। पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। हर किसी की आंखें नम थी। आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ सुरेंद्र कुमार को अंतिम विदाई दी गई। सुरेंद्र कुमार के बड़े बेटे जतिन ने उन्हें मुखाग्नि दी। BSF के जवानों द्वारा सुरेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि दी गई और नूरपुर के तहसीलदार डॉक्टर गणेश ठाकुर ने भी सुरेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि दी।